सास बहू का रिश्ता। निधि और उसकी सास के बीच हमेशा किसी न किसी बात पर अनबन छिड़ी ही रहती है, जिसके चलते दोनों कभी एक दूसरे को समझने और प्यार करने की कोशिश तक नहीं करती। अरे मेरा तो भाग ही फूट गया जो ऐसी बहू मिली। हाय, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। भगवान, या तो अच्छी सास दे देता या फिर गूंगी। इन्हें मेरे सिर बिठाकर कौन से जन्म का बदला ले रहे हैं भगवान? क्या बोली? वही जो आपने सुना। इतनी बड़ी हो गई कि सास से जुबान लड़ाती है। अरे यही सीख कर आई है क्या मायके से? अरे नहीं नहीं, उसके लिए तो ससुराल ही काफी है। मेरी सास ने मुझे बहुत अच्छे से जुबान लड़ाना सिखाया है। हाँ। सास बहू की तीखी नोक झोंक चल ही रही होती है कि दीपू वहाँ आ जाता है। रिश्ता करते हुए पति पत्नी की जगह सास बहू की कुंडली मिलानी चाहिए, क्योंकि अगर सास बहू का रिश्ता अच्छा नहीं तो उनका पता नहीं, पर पति की जिंदगी तो पक्का झंड है। मुझे अपने सामने कोई झगड़ा नहीं चाहिए, बस करो दोनों। दोनों शांत होकर अपने अपने काम में बिजी हो जाती हैं। दीपू ऑफिस चला जाता है, जिसकी थोड़ी ही देर में दीपू की बहन कल्पना का फोन आता है। अरे कैसी है रे बेटा, ससुराल में सब बढ़िया है ना? कोई तुझे परेशान तो नहीं करता? सास की बात सुनकर पास खड़ी निधि हंसकर कहती है, अरे बहरे ऊपर वाले, खुद बहू को शांति से सांस भी नहीं लेने देती और बेटी से पूछ रही है कोई परेशान तो नहीं करता। अरे मेरी बेटी तुम्हारी तरह नाकारा और बदतमीज नहीं है, इसलिए उससे पूछना बनता है। तो उनकी सांस भी आपकी तरह नहीं होगी, इसीलिए उन्होंने कुछ बोला नहीं। और इसी के साथ एक बार फिर दोनों सास बहू के बीच तानों का युद्ध शुरू हो जाता है। फिर कल्पना कुछ देर तक तो फोन पर सुनती रहती है, पर जब दोनों चुप होने का नाम तक नहीं लेती तो वो चिल्लाते हुए बीच में बोलती है, अरे बस करो, यह फोन कान पर लगाए जब मुझसे आप दोनों की बातें सुनी नहीं जा रही तो मेरा बेचारा भाई न जाने किस हाल में होगा। अरे ये सब तेरी भाभी की वजह से है बेटा। तो माँ आप भी कुछ कम नहीं है, आप दोनों को ही अपना रिश्ता सुधारने की जरूरत है। मैं एक बाबा को जानती हूँ जो रिश्ते सुधारने में एक्सपर्ट है, आप दोनों उनके पास जाइए। ना जी ना, मैं ऐसे ढोंगी बाबा में नहीं मानती। देखा कहा था ना, अरे ये तो हमारे घर में शांति चाहती ही नहीं है। भाभी एक बार ट्राई करके तो देख लो। इस पर निधि मान जाती है और अगले ही दिन दीपू के ऑफिस जाने के बाद दोनों बाबा के पास पहुँच जाती है। सास बहू के बीच रिश्ता कुछ ज्यादा खास नहीं है, हर समय तू मैं चलती रहती है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही, आप तो बहुत ज्ञानी हैं बाबा जी। तो पाए सुनो, बहू को साफ और सच्चे मन के साथ सास को 12 लाल और 12 हरी चूड़ियाँ भेंट करनी है, बात भेद अपने आप कम हो जाएंगे। बाबा का उपाय सुन अगले दिन निधि सास को चूड़ियाँ भेंट कर देती है, लेकिन इससे भी उन दोनों के बीच कुछ सही नहीं होता। अरे पक्का इसने ही किलस कर चूड़ियाँ दी होंगी, अभी कुछ नहीं हुआ। दोनों दोबारा बाबा के पास जाती हैं। कुछ नहीं होता तो दूसरा उपाय सुनो, सुबह सूरज निकलने से पहले ही घर की सफाई कर, सारा कूड़ा घर से बाहर कर, ठंडे पानी से स्नान करना है, इससे दोनों के बीच रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। अरे इतनी जल्दी मम्मी जी ही उठ सकती हैं, ये आपको ही करना पड़ेगा, मैं अकेली तो लड़ाइयाँ नहीं करती ना। बाबा का उपाय मानते हुए अगली सुबह से सास जल्दी उठ सूरज निकलने से पहले घर की सफाई कर ठंडे पानी से नहाने लगती है। ये सब कुछ दिन तक चलता है, जिससे अभी भी दोनों के रिश्ते तो नहीं सुधरते पर सास की तबीयत खराब होने लगती है। अब लगता है आपने मन से काम नहीं किया होगा, तभी तो रिश्ता वैसा का वैसा पड़ा है और तबीयत खराब हो गई। अरे सही कहती थी तुम, कल मुहा ढोंगी बाबा। देर आए पर दुरुस्त आए, चलो आराम करो। अब निधि बाकी काम छोड़ सास की सेवा करने लगती है। अपनी पत्नी और माँ में ऐसा बदलाव देख दीपू बिल्कुल हैरान रह जाता है। अरे कहीं बाबा ने कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया, मेरी माँ और पत्नी इतना घुल मिल कर तो नहीं रहती। ओह सर कजिन,
बस बस अब जाओ और अपना काम खुद कर लो, मुझे मम्मी जी का ख्याल रखना है। निधि की बात सुन हैरान दीपू बस उन्हें देखता रह जाता है और निधि सास का ध्यान रखने में लगी रहती है। इसी तरह दिन बीतते हैं और निधि आधे से ज्यादा समय सास के साथ बिताने लगती है, जिस वजह से उन दोनों का रिश्ता पहले से अच्छा होने लगता है और वो एक दूसरे को समझने लगती हैं। बहू, मैं सोचती हूँ एक बार उसे ढोंगी बाबा के पास जाना चाहिए उसे सबक सिखाने के लिए। अरे पर मम्मी जी, उसकी क्या जरूरत है, हमारे घर में सब ठीक है, फिर वो कुछ भी करे हमें उससे क्या। दोनों के बीच ये बात हो ही रही होती है कि तभी बाबा कल्पना के साथ उनके घर आ जाते हैं। माँ, बाबा आप दोनों से मिलना चाहते थे इसलिए मैं उन्हें यहाँ ले आई। अरे पर हमें इस ढोंगी बाबा से नहीं मिलना। हाँ, मेरी बहू बिल्कुल सही कह रही है, जो कुछ समय पहले एक दूसरे को मारने को चलती थी आज एक ही लाइन में बात कर रही है। आपको अपने रिश्ते के लिए किसी बाबा के नहीं अपने आप की जरूरत होती है। रिश्ता सुधारने के लिए जरूरी है कि सास बहू को अपनी बेटी और बहू सास को अपनी माँ जैसा समझे और प्यार दे। उपाय तो बस एक तरीका है लोगों को समझाने का कि असली उपाय उनके पास ही है, आपको बस उन्हें समझना है।